एक बार ऐसा कुछ आया भी है वो हम देखेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। अभी के लिए तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये प्रोग्रेशन तो बहुत हजार तरीके की हो सकती है ना। अभी तो हमने सिर्फ एक ही देखी है एपी, अब दूसरी देखेंगे जीपी। एपी और जीपी के अलावा भी दुनिया मतलब प्रोग्रेशन तो इन्फाइनाइट टर्म्स तरीके की हो सकती है। बात समझ में आ रही है? तो अभी लेकिन हम स्पेसिफिक दो तरह के प्रोग्रेशन को देख रहे हैं, एपी और जीपी, और इस वक्त तो सिर्फ एपी को देख रहे हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जहां पे कॉमन डिफरेंस वुड ऑलवेज बी कॉन्स्टेंट। इफ द कॉमन डिफरेंस इज नॉट कॉन्स्टेंट देन इट इज नॉट एपी, तो वो एपी है ही नहीं। ये सब सारे रूल्स हम लिख रहे हैं ये फॉलो ही नहीं करेंगे। सही है, मेक सेंस? बात समझ में आ रही है? इट इज द इजीएस्ट फॉर्म ऑफ अ प्रोग्रेशन ऑब्वियसली, लेकिन ये हमें पढ़नी तो है ना। और इसके सवाल मैं आपको दिखाऊंगा, सवाल आसान नहीं आते, मैं फिर से बता रहा हूँ। टॉपिक आसान है, ये फॉर्मूला आसान है, इसके सवाल आसान नहीं आते। सवाल पे हम पहुंचेंगे इंशाल्लाह, तो हमें समझ में आएगा। 5 के टेबल है, देन भी अब नहीं होगा, एपी नहीं होगा, देख लेते हैं। 5 के टेबल सुनाओ, 5 नेक्स्ट क्या होगा, 10, 15, 20, जी 25, जी ये एपी है या नहीं है? बाकी लोग, इज इट एन एपी और नॉट? अच्छा, मुनीब भाई ने हमें आंसर भी बता दिया, हम लोग बिला वजह बीच में बातों में पड़ गए, थैंक यू मुनीब। लेकिन हमें आंसर चाहिए नहीं अभी, हम आंसर इज नॉट इम्पोर्टेंट इस वक्त एटलीस्ट। अभी सिर्फ जो मैं बोलूँ डिस्कशन करनी है सिर्फ। हाँ मुझे इतना बताओ, ये एपी है या नहीं है? इखलास कह रहे हैं कि नहीं है, बाकी लोग कह रहे हैं कि है। क्यों नहीं है इखलास ये एपी? इखलास ये एपी है ना यार, ये बिल्कुल है। कॉमन डिफरेंस कितना है सर? 5। हर बार आप देखें 5 ऐड हो रहा है। आपको सिर्फ ये देखना चाहिए ना, टेबल है नहीं है डजेंट मैटर। बात समझ में आ रही है? कॉमन डिफरेंस इज कॉन्स्टेंट तो इट इज एन एपी। कोई मसला किसी को इस चीज में? एपी मैं पहला काम आपके साथ यही किया कि आपको मैंने दिखाया कि एपी होगा क्या। ये हमने जो तीन डिफरेंट प्रोग्रेशन देखी है इसीलिए देखेंगे, तीनों एपी हैं, सही है ना? क्यों? क्योंकि इनमें कॉमन डिफरेंस कॉन्स्टेंट था, सही है ना? बस आपको ये देखना है कॉमन डिफरेंस कॉन्स्टेंट है या नहीं है। अगर कॉन्स्टेंट है तो ऑब्वियसली इट इज एन एपी, कॉन्स्टेंट नहीं है तो इट्स नॉट एन एपी। कॉन्स्टेंट नहीं है उसकी एग्जाम्पल मैं दिखा देता हूँ आपको एक, मतलब फॉर एग्जाम्पल हम बोलेंगे पहली टर्म 2 है, अगली 7 है, ठीक है, लेकिन उसके बाद 4 हो गई, मतलब पहली बार +5 हुआ, देन -3 हुआ, उसके बाद दोबारा +5 हो गया, ये हो गई 9, और फिर -3 हो गई, ये हो गई 6। ये तो प्रोग्रेशन ऐसे भी हो सकती है। अगली टर्म क्या होगी यहाँ पे? यहाँ पे अगली टर्म क्या होगी? इलेवन होगी, बिल्कुल ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो सीक्वेंस है वो ये +5 देन -3, ठीक है, तो यहाँ पे हम ऑब्वियसली +5 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 11, और उसके बाद -3 करेंगे तो 8 आ जाएगा, एंड सो ऑन। ये एपी है या नहीं है? इज इट एन एपी और नॉट? नो इट्स नॉट, नो इट्स नॉट, बिल्कुल, क्योंकि कॉमन डिफरेंस कॉन्स्टेंट नहीं है। ठीक है बेटा, एक सवाल आया था बीच में तो मैंने थोड़ी सी साइड ट्रैक होके ये सब क्लियर करना मेरे ख्याल से ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो अभी आपके जहन में सवाल आएंगे बहुत सारे यार कि ऐसा नहीं तो फिर कैसा, तो कोई टेंशन की बात नहीं है, सवाल आने चाहिए। लेकिन अभी जो मैं बोल रहा हूँ बस उतना काफी है। मैं क्या कह रहा हूँ कि यार एपी होती है, एपी का मतलब कॉमन डिफरेंस कॉन्स्टेंट है। कॉमन डिफरेंस अगर कॉन्स्टेंट है उसमें हम कुछ फॉर्मूला हमने बनाए वो यूज होंगे, ये सारे फॉर्मूला एपी के, एपी के अलावा अभी कहीं भी यूज नहीं करेंगे, ठीक है ना? ओके, तो 200 टर्म किसी ने बता भी दी थी आई थिंक मुनीब ने, लेकिन जिन्होंने नहीं बताई उनसे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टर्म क्या बेटा, जल्दी से बताओ, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म हियर? ये हमारी प्रोग्रेशन थी, वापस दिखा दूँ जी, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म? टू, बिल्कुल ठीक है। डिफरेंस कितना है? डिफरेंस 3, एन -1, एन कितना है? एन इज 200, ठीक है ना? ये सबको दिख रहा है, सबको समझ में आ रही है बात? 200 -1 विच इज 199, तो जी कितना हो गया टोटल? फाइनल आंसर कितना? 199 टाइम्स 3 क्या होता है? 199 टाइम्स 3 कितना होता है? 600 में से 3 माइनस करें, 597 +2, 599 आंसर है। जी आंसर बताएंगे फाइनल कितना है? 599, ठीक है, ओके। तो
समझ में आ रही बात की टाइम का फॉर्मूला ज्यादा हैंडी नॉर्मली तब आता है रियल लाइफ में जब आपको कोई ऐसी टर्म फाइंड करनी हो जो कि आसानी से चौथी पांचवी ना हो, मतलब जिसके लिए ज्यादा काम करना पड़ जाता है आपको सीक्वेंसेस में। सिमिलरली वी हैव वन मोर फॉर्मूला जिसके बाद हम कंक्लूड करेंगे, और वो क्या है वो हम देख लेते हैं। एक सेकंड देगा मुझे बस। यार इसको अगर मैं जी, तो एक फॉर्मूला और है हमारे पास, वो क्या है वो हम देख लेते हैं जी। टी एन प्लस वन को हमने बता दिया था कि नेक्स्ट टर्म कहलाएगी ना, गिवन द टर्मिनोलॉजीज। और दूसरा फॉर्मूला है सम का, सम ऑफ एन टर्म्स। एस एन का मतलब सम ऑफ एन टर्म्स, सही है ना। ये फॉर्मूला आपको अच्छा, ये जो फॉर्मूलाज है ना ये सारे लिखे हुए भी आते हैं आपकी जो फॉर्मूला शीट आती है ना आपके एग्जाम में, AS की, 11 मैथ्स की, तो उसमें फॉर्मूला शीट में सारे फॉर्मूले लिखे हुए होंगे। तो याद ना भी हो तो कोई मसले की बात नहीं है, लेकिन हम इतने सवाल करेंगे कि याद हो जाएंगे इंशाल्लाह। एन ओवर टू मल्टीप्लाई बाई टू ए प्लस डी इंटू एन माइनस वन। ओके, दिस इज द फॉर्मूला यूज टू फाइंड सम ऑफ एन टर्म्स। सम ऑफ एन टर्म्स का मतलब क्या है वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास सिचुएशन थी ना, अगर मैं आपसे पार्ट थ्री में पूछूं एस एन का मतलब सम ऑफ एन टर्म्स, तो मैं पूछूं व्हाट इज द सम ऑफ फाइव टर्म्स। अच्छा, सिर्फ फाइव नहीं, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, मतलब मैं इसको यहां लिख देता हूं एस एन का मतलब क्या है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। तो अगर एस फाइव लिखा है तो फर्स्ट फाइव टर्म्स, जैसे कि हमने यहां पे लिखा है जी। तो अगर मुझे पांच टर्म्स का सम फाइंड करना है तो एक तरीका तो सिंपल है कि मैं इन पांचों को ऐड कर दूं जी। मुझे बताएंगे इन पांचों को ऐड करके क्या आंसर आ रहा है, 2 + 5 + 8 + 11 + 14 कितना होता है। नहीं बेटा जीपी का फॉर्मूला नहीं है, जीपी का नहीं, अभी तक हमने देखो जो पढ़ रहे हैं सब एपी, आज हम सिर्फ एपी पढ़ रहे हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं आज, सिर्फ एपी, ऊपर हेडिंग जो दी है ना वो एपी चल रहा है, सिर्फ एपी चल रहा है, जीपी हमें पता ही नहीं क्या होता जी। 40, 2 + 5 आ गया 40 होता है, ठीक है मान लेते हैं। तो हम आप कह रहे हैं सम ऑफ फाइव टर्म्स इज 40 एंड दिस इज, ये आपने किया कैसे, ये आपने मेंटली किया या कैलकुलेटर से किया, जैसे भी किया आपने एडअप कर लिया इन पांचों को, ठीक है। तो एक तरीका ये था कि आप सारी टर्म्स लिखे उनको ऐड कर लें एंड यू विल नो व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स। एक तरीका क्या है, यूज द फॉर्मूला सम ऑफ फाइव टर्म्स का फॉर्मूला, सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला वापस यहां पे लिख देता हूँ। तो वो है एन ओवर टू टू ए प्लस डी इंटू एन माइनस वन, ठीक है ये हमारा फॉर्मूला है। इसको यूज करते हैं, देखते हैं 40 वापस आ रहा है या नहीं आ रहा जी। एन कितना है एस फाइव में, एन कितना है एन ओवर टू में, एन कितना होगा हमारा इस फॉर्मूले में, एन फाइव होगा बिल्कुल। एस फाइव है तो एन फाइव होगा, एस टेन होता तो एन टेन होता, ठीक है। एन ओवर टू मल्टीप्लाई बाय टू टाइम्स ए, ए कितना है, सही है ना। हम सम ऑफ फाइव टर्म्स फाइंड कर रहे हैं बेटा यूजिंग दिस फॉर्मूला जो कि हमने अभी यहाँ लिखा है, ठीक है। ये फॉर्मूला भी याद हो जाएगा, मैं आपको बताता हूँ इस फॉर्मूले को हम ब्रेक भी कर सकते हैं। खैर जी ए कितना है, ए स्टिल टू, बिल्कुल ठीक है भाई, क्योंकि हम इसको देख रहे हैं ना बेटा, याद है ना ये इसको देख रहे हैं हम, ये जो सीक्वेंस हमने शुरू में लिखी थी, ठीक है। प्लस डी डिफरेंस कितना है, 3, ठीक है। प्राइवेट मैसेज ना करो, एवरीवन पे करो। एन माइनस वन, एन कितना है, ठीक है। मैं वन बाय वन इसीलिए पूछ रहा हूँ, किसी को कोई भी कंफ्यूजन है आप देख लो साथ साथ, सही है ना। किसी को लग रहा हो नहीं नहीं एन टेन है तो मुझे बताए भाई कि उसको ये लग रहा है, तो हम फिर क्लियर कर लेंगे उस चीज को, ठीक है। एन फाइव है, ठीक है, यहाँ पे फाइव लिखा है, सम ऑफ फाइव टर्म्स तो एन फाइव है, सम ऑफ सिक्स टर्म्स तो एन सिक्स है, ठीक है ना। एन को हमने ऐसे डिसाइड किया ना, एन आपको पोजिशन बताता है, इज इक्वल टू जी फाइव ओवर टू मल्टीप्लाई बाई कितना हो जाएगा, 4 × 12 12 + 2 14, ये तो डिफरेंट गलत आ रहा है भाई। 4 + कितना है, 4 × 3 = 12, नहीं नहीं 18, सॉरी गलत लिखा हमने जी।
कितना होता है 16, 16 यार क्या कह रहे हैं जी, 16 over 2 इज 8, 8 into 5 is 40, ठीक है बात समझ में आ रही, तो आंसर 40 ऐसे भी आ रहा है, और आपने 40 यहाँ कैसे निकाला था, आपने इन पाँचों को ऐड किया तो भी 40 ही आ रहा है। ऑब्वियसली ज़्यादा हैंडीकैप आएगा जब यहाँ हम S5 की जगह हम बोलते हैं कि आप S100 फाइंड करें, तो ये फॉर्मूला ज़्यादा यूजफुल होता, ठीक है ना, क्योंकि पाँच टर्म्स को तो ऐड करना रिलेटिवली ईजी रहता, लेकिन 100 टर्म्स का सम निकालना, तो आप पहले 100 टर्म्स लिखते हैं फिर उन सबको ऐड करते हैं, तो उससे बेहतर है कि आप ये फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं जी। किसी को कोई मसला, कोई कन्फ्यूजन, कोई कन्फ्यूजन, किसी को लग रहा है हम बहुत तेज़ चल रहे हैं तो बता दो, कोई कन्फ्यूजन है तो बता दो, ये रिकॉर्ड भी हो रहा है और मैं आपको बता दूं कि मैं इसको रिवाइज भी कराऊंगा थोड़ा सा जब हम वापस आएंगे। ओके लिख के भेज दें बेटा, जिसको कोई भी मसला, तो सॉरी ओके लिख के भेजें, जिसको जिसको सब समझ में आ गया वो ओके लिख के भेज दें, सबसे चाहिए मुझे ओके यार, नहीं तो बता दें कोई कन्फ्यूजन तो हम डिस्कस कर लेंगे। सही, तो ठीक है। अच्छा वन लास्ट थिंग, एक लास्ट फॉर्मूला जो है इसका वो मैं लिख देता हूँ एपी का, देन वी एंड द क्लास। मैं इसमें सब कुछ कराने का मकसद सिर्फ ये है कि आपको ओवरव्यू मिल जाए कि यार एक पूरा टॉपिक, एक सब टॉपिक हमने कर लिया है, सही है, एटली मतलब हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया और हमने फॉर्मूलाज देख लिए, ऑब्वियसली हमने पॉसिबल क्वेश्चन नहीं देखे, वो तो हम देखते रहेंगे विद टाइम। तो मकसद सिर्फ ये इस क्लास का आपको समझ में आ जाए कि ये कि कैन यू अंडरस्टैंड ऑनलाइन स्पेसिफिकली फ्रॉम मी, तो अगर समझ में आ रहा है तो गुड गुड सीन है, ठीक है, नहीं आ रहा तो बैड सीन है, तो मुझे बताओ, तो या तो हम कुछ चेंज करेंगे या टीचर चेंज करें तो ये समझना इंपॉर्टेंट है। तो SN का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, N/2 A+L। एक और फॉर्मूला आखिरी, वो कहते हैं सम ऑफ एन टर्म्स फाइंड करने का एक और तरीका ये है, सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स, सही ना, फर्स्ट एन टर्म्स इंपॉर्टेंट है, कि कोई भी 5 टर्म्स नहीं, बीच की 5 टर्म्स को ऐड नहीं करना हमने, हमने शुरू शुरू से लेके जो 5 टर्म्स आ रही है उनकी बात कर रहे हैं। तो एक लास्ट फॉर्मूला, ये सही, दोनों फॉर्मूला विल गिव यू द सेम आंसर, सही है, कभी आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे होंगे, कभी ये कर रहे होंगे, डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन, जो क्वेश्चन में चीजें अवेलेबल होंगी उसको, उनमें से आपको जो बेहतर ऑब्वियसली लग रहा होगा फॉर्मूला, कभी कभार दोनों भी यूजफुल होंगे। तो A+L का मतलब क्या है, इसमें सिर्फ नई जो चीज ऐड हुई है वो L है, L जो है वो लास्ट टर्म है, A इज द फर्स्ट टर्म, L इज द लास्ट टर्म। लास्ट टर्म का मतलब क्या है, मतलब अगर हम सम ऑफ 5 टर्म्स की बात कर रहे हो तो L क्या हो जाएगा, 5th टर्म, ठीक है, अगर मैं सम ऑफ 10 टर्म्स की बात कर रहा हूँ तो एल हो जाएगा लास्ट टर्म, क्या होगी, 10th टर्म। इसको अप्लाई कर लेते हैं वापस यहीं पे, जो हमने सम ऑफ 5 टर्म्स निकाला था, आंसर 40 हमें पता है, तो हम यही फॉर्मूला अप्लाई करते हैं यहाँ पे, सेम सेम स्पेसिफिक हमारी जो सीक्वेंस थी उसके लिए जी, N/2 A+L, सही है ना। मैं दूसरा भी यहाँ पे लिख देता हूँ, सम ऑफ 5 टर्म्स, सॉरी सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला है हमारे पास, एक N/2 A+L, दो फॉर्मूले हमारे पास सम फाइंड करने के लिए, एक तो ये था जो हमने इसकी एग्जाम्पल देखी यहाँ पे, ठीक है, दूसरा फॉर्मूला ये है N/2 A+L, तो वो हम अप्लाई करते हैं जी। एन कितना है बेटा, ठीक है ना, मैं वापस लिख देता हूँ यहाँ पे, एक मिनट देना मुझे, मैं इसको वापस मतलब बोल्ड भी कर लेते हैं जी। तो ये हमारा फॉर्मूला जो है वो है दिस, ठीक है, और हमें सम ऑफ 5 टर्म्स चाहिए, तो एन कितना है, 5 है, मुनीफ सही कह रहे हैं, बाकी लोग एन कितना है, 5/2, ए कितना था, ए वही है जो हमारी स्टार्ट, क्योंकि वही सीक्वेंस चल रही है वाली, ए कितना है, 2, ठीक है, और लास्ट टर्म क्या है, जब हम सम ऑफ 5 टर्म्स की बात करें तो एल क्या हो जाएगा, 5th टर्म, ठीक है ना, 5 टर्म्स की बात करें एल हो जाएगा 5th टर्म, अगर हम 10 टर्म्स की बात करते हैं एल हो जाएगा 10th टर्म, ठीक है, तो 5th टर्म कितनी है बेटा इस वक्त, हाँ कितनी है, 14, बिल्कुल ठीक, तो वो हम लिख देते हैं यहाँ पे जी, 14 प्लस 16, 16 तो ये 40 आ रहा है वापस, ठीक है ना, यहाँ भी 40 आ रहा था इस तरीके से, और इस तरीके से भी 40 आ रहा था, जो हम आपने पहला तरीका बताया, विच वॉज ऑब्वियसली थ्रू काउंटिंग, राइट, मेंटल मैथ जो भी आपने किया, तो
दैट्स प्रीटी मच इट. एपी में सिर्फ यही है हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. मैं वापस आपको रिवाइज करा दूं क्या क्या देखा हमने. तीन फॉर्मूले देखे हमने. एक तो टर्म का फॉर्मूला देखा हमने, एक हमने इसको फॉर्मूला अलग से कहते नहीं लेकिन कह लें चले डिफरेंस का बोला, एनी टर्म माइनस द प्रीवियस टर्म. ठीक है, तीसरी चीज हमने देखी है सम का फॉर्मूला, और सम के हमने दो फॉर्मूले देखे. जी यही है सर एपी में, और कुछ नहीं है. ठीक है, जीपी में भी हम ऐसे तीन चार फॉर्मूला देखेंगे और ख़त्म कर देंगे, और फिर हम पासवर्ड्स पे जाएंगे और वही हम करते रहेंगे जब तक समझ में ना आ जाए हमें. एन ओवर टू ए प्लस वाले फॉर्मूले के लिए पहले रिक्वायर्ड टर्म निकालना ज़रूरी है. हाँ ऑब्वियसली ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है. आपको लास्ट टर्म पता होनी चाहिए. ठीक है, लास्ट टर्म नहीं पता होगी तो आप कुछ नहीं कर सकते ना. फिफ्थ टर्म पता होनी चाहिए, फाइव अगर आपने सम ऑफ फाइव टर्म निकालना है. ठीक है ना, और वो आपको देखेंगे जब आप क्वेश्चंस करते रहेंगे तो आपको खुद समझ में आएगा यार किस किस क्वेश्चन में मुझे ये फॉर्मूला यूज़ करना है. ठीक है, और किस क्वेश्चन में मुझे दूसरा फॉर्मूला यूज़ करना है ये वाला. ठीक है, वो आपको खुद समझ में आ जाएगा क्वेश्चंस करते करते इंशाल्लाह. किसी को कोई कन्फ्यूजन आज के लेक्चर में पूछ लो. मैं बता रहा हूँ फिर से कि आज का मकसद सिर्फ ये था कि आपको समझ में आया कि हाउ वी विल स्टडी. मतलब ऑब्वियसली दिस इज नॉट एवरीथिंग दैट वी विल बी यूजिंग. मतलब हमारे पास डॉक्यूमेंट्स भी खुले होंगे साइड में, हम आपको स्क्रीन शेयर करके हम क्वेश्चंस कर रहे होंगे साथ साथ क्लास के अंदर जो कि हमने आज नहीं किए, लेकिन ऑडियो विजुअल कुछ हद तक यही रहेंगे और सवाल पूछने का तरीका भी यही रहेगा. मैं भी यही रहूँगा. तो कोई कन्फ्यूजन है इसमें तो आप पूछ लें, नहीं है तो सब समझ में आ रहा है तो ओके लिख के भेज दें बेटा. ओके सही, सभी ने भेज दिया. तो सही, आज के लिए इतना ही है. मैं इन इन फॉर्मूलाज को वापस रिवाइज भी कराऊंगा और ज़रा उसको हम डिस्कस भी कर लेंगे. एपी बेसिकली यही है. ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर रिजल्ट, इंशाल्लाह अच्छा ही आएगा और अल्लाह रहम करे आप सब पे, हम सब पे भी. ये क्लास हम ख़त्म कर रहे हैं, किसी ने कुछ पूछना है तो पूछ लो. ठीक है फिर, ओके देन. और इसके अलावा भी कोई क्वेरी तो मुझे डायरेक्ट भेज सकते हैं. ठीक है, अल्लाह हाफिज़.